आजकल अनुभव आता है कि टीचर अपने में खोए रहते हैं। अभी तो मेरे आधा वाक्य बोला आपने पकड़ लिया। वो एक निश्चित सिलेबस 20 मिनट 30 मिनट बोलना है, अपना कड़कड़ाहट बोल देते हैं और फिर इसमें कोई हिलेगा इधर उधर, तो देखा होगा आपने। मैं तो मेरे अपने बचपन के अनुभव की बात बता, तो आजकल तो टीचर अच्छे होते हैं, मेरे जमाने में शायद ऐसा नहीं होगा, इसलिए मुझे टीचरों की आलोचना करने का हक नहीं है। लेकिन कभी कभी मैं देखा था कि टीचर जो तैयारी करके आए हैं, अब तो टीचर बहुत अच्छे होते हैं, आपने देखा होगा टीचर भी अभी मोबाइल फोन पे अपना सिलेबस लेके आता है, है? मोबाइल देख करके पढ़ाता है, ऐसा करता है ना है। और कभी उंगली इधर उधर दब गई तो हाथ से निकल जाता है, वो खोदता रहता है, क्योंकि उसने पूरी तरह टेक्नोलॉजी को सीखा नहीं है। जरूरी दो चार चीजें सीख ली और इधर उधर उंगली अड़ गई तो फिर वो डिलीट हो जाता है या खिसक जाता है, हाथ नहीं लगता है, बड़ा परेशान हो जाता है, सर्दियों में भी पसीना छूट जाता है उसको, उसको लगता है कि ये बच्चे। और उसके कारण जिसकी अपनी कमियां होती है उसका एक स्वभाव रहता है दूसरों पर एक्स्ट्रा रौब जमाना ताकि अपनी कमियां बाहर ना आए। मैं समझता हूं हमारे शिक्षक मित्रों ने विद्यार्थियों के साथ जितना अपनापन बनाएंगे, विद्यार्थी आपके ज्ञान की कसौटी करना नहीं चाहता है जी। ये हमारा भ्रम है, टीचर के मन में होता है कि विद्यार्थी आपको अगर कोई सवाल पूछता है तो आपकी एग्जाम ले रहा है। जी नहीं, अगर विद्यार्थी सवाल पूछता है तो ये मान के चलिए उसके अंदर जिज्ञासा है, आप उसकी जिज्ञासा को हमेशा प्रमोट कीजिए, उसकी जिज्ञासा ही उसकी उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी अमानत है। किसी भी जिज्ञासु को चुप मत कीजिए, उसको टोक मत दीजिए, उसको सुनिए, आराम से सुनिए। अगर जवाब नहीं आता है तो आप उसको कहिए, देख बेटे तूने बहुत अच्छी बात कही है और मैं तुम्हें जल्दबाजी में जवाब दूंगा तो अन्याय होगा, ऐसा करो हम कल बैठते हैं, तुम मेरी चैम्बर में आ जाना, हम बातें करेंगे और मैं भी तुमको समझने की प्रयास करूंगा, ये विचार तुम्हें कहां से आया, और मैं भी कोशिश करूंगा इन बिटवीन मैं घर जाकर के स्टडी करूंगा, जरा गूगल पे जाऊंगा, इधर उधर जाऊंगा, पूछ लूंगा और फिर मैं तैयार होकर के आऊंगा, फिर दूसरे दिन मैं उसको पूछूंगा, अच्छा भाई तुम्हें ये विचार आया कहां से, इतना उत्तम विचार इस उम्र में कैसे आया तुम्हें, उसको पुचकारते हो फिर कहिए देख सचमुच में ऐसा नहीं है, रियलिटी ये है, वो तुरंत स्वीकार कर देगा। और आज भी स्टूडेंट्स अपने टीचर की कही हुई बात को बहुत मूल्यवान समझता है, अगर एकांत गलत बात बता दी तो उसकी जिंदगी में वो रजिस्टर हो जाती है। और इसलिए बात बताने से पहले समय लेना बुरा नहीं है, हमने